फाइनली पच्चीस से 35 मिनट का मशक्कत के बाद जाके लाइव आया है ना, इसको कहते हैं पेशेंस, जो है शायद मेरे अंदर 35 मिनट किसी एक चीज को मनाते रहना की भी स्टार्ट हो जाए। चलिए उम्मीद है कि आई एम लाइव, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है, तो बिना समय को बर्बाद किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं दो वेव है, एक इधर है और एक इधर है, दोनों वेव ऐसे ऐसे चल रहा है, तो दोनों का जब नेट निकालेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन, और जो कि दोनों का क्या होता है, वेक्टर। जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक्स प्लस माइनस बी टी के ही फॉर्म में होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जैक्टली सेम होता है एज लाइक एस एच एम। अगर आप एस एच एम पढ़े हैं तो आपको याद आएगा, पढ़े हैं एस एच एम पढ़े हैं तो आपको याद आएगा कि सर आप हाँ ये बताए थे ए वन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स बोल देते हैं और दूसरा बोल देते हैं ए टू, दूसरा दूसरा वेव ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस फेज डिफरेंस। दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस दिख रहा है, पाई का। तो नेट एम्पलीट्यूड लिखना आपको सिखाए थे एस एच एम में, वही है वेक्टर का तरीका लगाते हैं। याद है ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर, टू ए वन ए टू, और दोनों के बीच का एंगल कितना, कॉस फाइव, है ना, दोनों के बीच का एंगल कॉस फाइव, यही हमारे काम का चीज है। ठीक है, जो कि हम लोग एस एच एम से पढ़ते आ रहे हैं ये वही है सुपर पोजिशन। ठीक है, और ये वाला चीज जो है ना नेट इंटेंसिटी, ये हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, नेक्स्ट चैप्टर जो कि आजकल में ही स्टार्ट होगा और उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक सवाल देखो, दो वेव है अजीब सा, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड रिमेन्स इक्वल। वाओ, एम्पलीट्यूड भी सेम बा, एम्पलीट्यूड भी क्या है, सेम है, मतलब नेट क्या है, सेम है, नेट क्या है आपका, सेम, वही एम्पलीट्यूड। नेट कैसे लिखाता है आपको याद है, ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर, टू ए वन ए टू एन टू कॉस, पता नहीं कितना एंगल है, रिजल्टेंट भी वही है, कितना एंगल दिख रहा है भाई, सुपरपोज, तब की फेज डिफरेंस बिटवीन देम, वही तो फेज डिफरेंस ही निकालना है जब एम्पलीट्यूड भी वही है। इसको स्क्वायर कर दो या वेक्टर का पीकेटी अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट मार दोगे 2π/3, नहीं याद है जो कि हम जानते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर 2a² cos phi इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस cos phi cos स्क्वायर phi cos phi सर, 1 प्लस cos phi इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos phi, तो हमारा आ गया 1 प्लस 2 cos phi इज इक्वल टू 0, विच इज cos phi का मान माइनस, तो यहां से phi का मान कितना है बच्चा, 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री है क्या, है ना, 120 डिग्री, ये चीज हम लोग पढ़े हैं कहां, एसएचएम में, तो फिर से पढ़ा के क्या फायदा, है ना, पढ़े तो हो ही, तुमको याद नहीं होगा तो रिवीजन करना पड़ेगा तुमको। ये देखो तो क्या है, द इक्वेशन जो है एक्टिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो सही बात है कॉस है और कॉस है और दोनों के बीच में कुछ अजीब सा है, तो रिजल्टेंट वेव किस प्रकार का होगा, तो रिजल्टेंट वेव क्या होगा जब दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा जल्दी बताओ, ध्यान से सुनना। जैसे एक्स का मान क्या दिया हुआ है, ए कॉस ओमेगा टी, डेल्टा का मान क्या लिख दें, अल्फा प्लस पाई बाई टू लिख दें, और बाई के क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, हमको लगता है इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो मुझे लगता है आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस, अब ये लगता है सर्कल है, पीकेटी आपको याद होगा तो एक सेकंड में मार दीजिएगा कि अगर एम्पलीट्यूड सेम और साइन कॉस रहता है तो सर्कल ही वेव आता है, पर तुमको पीकेटी याद नहीं होगा जैसा कि हम जानते हैं, इन दोनों को देख के एक चीज लगता है दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि
क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन होता है, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पी के टी हम हर चीज का बनाया है और हर चीज का आपको दिए हैं, एम्पलीट्यूड सेम, एंगल 90 डिग्री तो सर्कल, एम्पलीट्यूड अलग और फेज 90 डिग्री तो इलिप्स, एम्पलीट्यूड सेम हो या अलग बट फेज डिफरेंस 0 डिग्री तो स्ट्रेट लाइंस, एम्पलीट्यूड सेम तो स्लोप 45 डिग्री होगा, एम्पलीट्यूड जस्ट निगेटिव तो स्लोप होगा 135 डिग्री, और अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग तो स्लोप अलग अलग आएगा। ये पीकेडी पूरा बताया थे आपको कहाँ, एसएचएम में, और ये वाला चीज हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स जो आज या कल में स्टार्ट हो, ठीक है। असली चीज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, आज जिस पे है ना, आज जिसका इंतजार है ये वही है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में एक चीज याद रख सकते, तो सिर्फ एक चीज याद रखना है, अगर कोई भी लाइट, कोई भी वेव अगर वो डेंसर से टकरा के आता है, लैग कर रहा है क्या, क्योंकि हमको दिख रहा है लैग, कोई भी चीज अगर डेंसर से टकरा के आता है तो देयर इज ए फेज चेंज पाई, है ना। एनी साउंड वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम टेंसर मीडियम, रिफ्लेक्ट फ्रॉम टेंसर वीडियो हो रहा है, ऑडियो नहीं हो रहा, देन देयर इज ए फेज चेंज पाई, और फेज चेंज निकल गया तो पाथ नहीं निकाल सकते, वही लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस विच इज लैम्डा बाई 2। हाँ भाई, क्या अब मैं लाइव हूं? ठीक है, चलिए बढ़िया। तो कोई भी साउंड वेव अगर डेंसर से टकरा के आता है तो फेज चेंज पाई का होता है, तो साइन वाला ग्राफ है ना, साइन वाले में बस पाई लगा, ठीक है। जैसे देखो एक सवाल मान लेते हैं, इंसिडेंट वेव का इक्वेशन कुछ ये है, लेट अस सपोज इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है डेंसर से, रिजिड बॉड मतलब वही हो गया डेंसर, रिजिड का मतलब ही होगा डेंसर, तो फेज चेंज पाई का आ जाएगा, आगे माइनस लगा दीजिएगा, कहोगे माइनस क्यों लगा, हमको फेज चेंज चाहिए ना, तो देखो फेज चेंज ऐसे भी आ सकता है, ध्यान से देखो, इस माइनस को अंदर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी और प्लस पाई, क्योंकि साइन एक्स वाज सी प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। जब कभी भी वो डेंसर से टकरा के आए, डेंसर को ही रिजिड बाउंड्री कहते हैं, तो देयर इज ए फेज चेंज पाई, और अगर वो ओपन बाउंड्री है, रेयर डेंस रेडर मीडियम है, तो कोई चेंजमेंट नहीं होता, जो इंसिडेंट का इक्वेशन है वही आपका रिफ्लेक्टेड का भी हो जाता है। अब तुम ये कहेगा कि सर इंसिडेंट में माइनस है तो माइनस का मतलब वो किधर जा रहा है, प्लस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्ट होके आएगा तो किस डायरेक्शन में होगा, निगेटिव डायरेक्शन में ना, तभी तो निगेटिव डायरेक्शन है, तभी तो बीच में प्लस आया है, निगेटिव डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, वेव जा रहा है आगे, रिफ्लेक्ट होके आएगा तो पीछे की तरफ आएगा ना, तो निगेटिव डायरेक्शन का मतलब प्लस होता है, भूल गया, याद है, बीच में प्लस होता है तो वो माइनस डायरेक्शन में चलता है, बीच में माइनस होता है तो वो प्लस डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे एक सवाल देते हैं, है ना, AITS का सवाल दे रहे हैं, लेट अस सपोज कि बाई का जो वैल्यू है वो है कितना, 10, 10 क्यों दे, 8 देंगे, 8 साइन 2x प्लस 3t, फाइंड रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन, रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन इफ इफ 20% एम्पलीट्यूड इज एब्जॉर्ब, या एम्पलीट्यूड इज ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसमिट, ए भैया 20% ट्रांसमिट कर गया तो 80% ही ना वापस आया, है ना, बताओ तो क्या होगा, 20%, देखो ध्यान, सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड निकाल लो, टोटल एम्पलीट्यूड 8 है तो रिफ्लेक्टेड का कितना होगा, तो 20% तो ट्रांसमिट दूसरे मीडियम में चला गया, तो बचा 80%, 80% ही ऐसे निकालते हैं, परसेंटेज का मतलब 100 कर दो,
कितना आ गया 6.4 का एम्पलीट्यूड। तो कितना होगा रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन, तो 6.4 और रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन एंड रिफ्लेक्शन टेक फ्रॉम डेंसर मीडियम ये भी देते हैं। रिफ्लेक्शन टेक फ्रॉम टेंसर मीडियम, तो देयर इज अ फेज चेंज पाई, क्या पाई का आएगा। तो बस ये साइन बीच में प्लस रिप्रेजेंट करता है कि वेव जा रहा है माइनस में, रिफ्लेक्शन होके आएगा तो वेव जाएगा प्लस में, बस यही तो देखना है तुमको। साइन अब 2x - 3t डाल देना, अब प्लस 180 डिग्री। ये इंटरेस्टिंग है कि बीच में प्लस था, इसका मतलब वेव जा रहा है माइनस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन का लिखना है तो वो भी तो वापस ही आएगा प्लस डायरेक्शन में, इसलिए बीच में माइनस। और अगर वो टेंसर से टकरा रहा है तो देयर इज अ फेज चेंज पाई। एम्पलीट्यूड क्यों चेंज किए, क्योंकि टोटल एम्पलीट्यूड 8 था, 20% चला गया दूसरे मीडियम में, तो 80% ही ना वापस आया 6.4। क्लियर है 6.4, कोई दिक्कत रे बाबा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आओ जरा हार्मोनिक टार्मोनिक के बारे में तुमको जानकारी देते हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग और वेव ऑन ऑर्गन, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट में घुस रहे हैं। मैं इसका रिजल्ट हमने बोला था याद करा देने के लिए, लेकिन इस 35 मिनट का पेशेंस लेवल चेक करने के चक्कर में है ना आज मूड ऑफ, लेकिन फिर भी हम तुमको याद करवा दें। समझिए होता क्या है, दो वेव है, एक तो दोनों एंड से फिक्स होता है, या तो एक एंड से फिक्स एक एंड से फिक्स। वेव तो कंप्लीट ऐसा बनता है ना, इतना तय है कि दोनों एंड से जब फिक्स है तो यहां पे कुछ नहीं बनेगा, दिस इज योर नोड, लोकेशन किसका है, नोड का। और जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसी को कहते हैं एंटी नोड, क्या कहते हैं एंटी नोड। जो नोड होता है उसी को कहते हैं टस्ट, और जो एंटी नोड होता है उसी को कहते हैं प्लंक्ट। इसका फॉर्मूला होता है λ/2n, ठीक है बाद में सिखाएंगे। ठीक है देखो, आंटी 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 मतलब बहुत ज्यादा सेंटेंस है ना, आंटी नोड है ना, हम तुमको ऐसे याद करवाएंगे कि एंटी नोड बहुत ज्यादा सेंटेंस है ना, तो बहुत ज्यादा सेंटेंस है तो इसमें क्या होगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। और अगर नोड का बात करें तो कम सेंटेंस है तो इसमें हम याद करवाएंगे एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो मिनिमम। ठीक है, और एंटी नोड को ही क्या कहते हैं, प्लंक्ट, आता है सवाल अभी भी AITS में भी आया था। और नोड को ही क्या कहते हैं, टच्ड। ठीक है, ये कहानी इंटरेस्टिंग। और जब एक एंड से फिक्स एक एंड से ओपन, तो कुछ इस प्रकार से वेव बनता है। ठीक है अभी सीखते जाओ, अभी सीखना है तुमको सीख लो। मान लेते हैं ये कंप्लीट वेव है, इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चा कोई बताएगा, तो मुझे लगता है इसकी लंबाई तो वेव लेंथ होगी, टाइम पीरियड टी होगी, एंगल 2π होगा, होगा ना। और वो रिलेशन आपको याद रखना है, फेज डिफरेंस बटा 2π, पाथ डिफरेंस बटा कितना लैम्डा, और टाइम डिफरेंस बटा टी। सुनिए ये अब देखो कहानी हम सिखा रहे हैं, मान लेते हैं एक एंड से फिक्स एक एंड से फिक्स, मतलब दोनों एंड से फिक्स। अगर हम एक लूप बनाए हैं तो ये है फर्स्ट हार्मोनिक, अगर हम एक लूप बनाए हैं तो ये क्या है फर्स्ट हार्मोनिक, ये कौन सा चीज है, ये आपका कहेगा फर्स्ट हार्मोनिक। और फर्स्ट हार्मोनिक जो भी होता है उसको कहते हैं फंडामेंटल। ठीक है, अब अगर दो लूप बनाए हैं, कितना बनाया है, दो लूप बनाया है, ये कौन सा कितना हार्मोनिक होगा बच्चा, ये इसमें दो लूप है ना, तो ये कहोगे सेकंड हार्मोनिक, ये क्या कहोगे सेकंड हार्मोनिक। ट्विस्ट थोड़ा सा समझिएगा, फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक में अंतर क्या है, इसका ये जो पूरा लेंथ है ना ये वेवलेंथ कहलाएगा, और एक लूप की लंबाई क्या कहलाएगी, एक लूप की लंबाई λ/2 ना, याद करना है तुमको λ/2, सेकंड हार्मोनिक के चक्कर में मत पड़ो λ/2। एक लूप की लंबाई होती है λ/2, और आधे लूप की लंबाई इसका भी आधा कर देंगे तो जल्दी बोलो, इसका भी आधा कर देंगे तो उसकी लूप की लंबाई कितनी होगी λ/4।
होगा लैम्डा बाई 4। एक बार फिर से हो जाए, क्या सिखाएं सर, जरा हमको फिर से सिखाइए। जैसे कंप्लीट दो लूप है, इसका वेवलेंथ होता है लैम्डा, और ये अगर एक ही लूप है तो इसका वेवलेंथ कितना, लैम्डा बाई 2, और उसका भी आधा है तो लूप कितना, लैम्डा बाई 4, है ना, लैम्डा बाई 4। अब समझिए हम लोग सीखने वाले हैं क्या, अ स्ट्रिंग बोथ एंड फिक्स, अ स्ट्रिंग बोथ एंड फिक्स, सीख लेना, दो तीन ही जो सीखना है, टोटल चार सीखने हैं, ठीक है। और चार में क्या है कि दो चीज कॉमन है, यानी कि टोटल आपको हर हालत में दो ही चीज सीखना, दोनों एंड से फिक्स है तो क्या होगा, देखना देखना देखना। मान लेते हैं फर्स्ट हार्मोनिक का बना रहे हैं, हम दो तीन को करेंगे, तुम्हारे पास एक पेज रहेगा, तुम एक पेज करेगा, अगर तुम सीखना चाहते हो ना तो तुम एक पेज करोगे, तुम सीख जाओ एक पेज, और होमवर्क भेज देना टेलीग्राम पे, लेकिन दो तुम सीख लो, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के। फर्स्ट हार्मोनिक तो सबसे पहले दोनों एंड से फिक्स है, इसमें यही बनेगा फर्स्ट हार्मोनिक, ये जो लेंथ है एक्चुअली में लैम्डा बाई 2 है ना, ये जो लेंथ है एक्चुअली में क्या है, लैम्डा बाई 2 है। तो मुझे लगता है कि अगर लैम्डा का इक्वेशन लिखेंगे तो वो तो 2L होगा, और वेलोसिटी तो हम लोग जानते ही हैं टी बटा म्यू होता है स्ट्रिंग में। क्या तुम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी वही वी बटा लैम्डा, लैम्डा कितना है 2L, और वेलोसिटी कितना हो गया टी बटा म्यू। दिस इज योर फंडामेंटल, ठीक है, दिस इज योर फंडामेंटल, ये इंटरेस्टिंग है, फंडामेंटल हम तुमको याद करवा देंगे, ठीक है, तुम टेंशन ना लो, बस तुम सीख लो, क्योंकि सीखने पे जोर डालोगे तो ज्यादा काम कर जाए, फंडामेंटल। और ये है आपका फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक से देखो, कोई बताएगा सेकंड हार्मोनिक में किस टाइप का डायग्राम बनेगा, जल्दी बोलो, सेकंड हार्मोनिक में किस टाइप का डायग्राम बनेगा, कितने वेव बनेंगे, कितने लूप बने, तो ये रहा एक, ये रहा दो, तो एक्चुअली इसका जो लंबाई है लैम्डा ही है, नहीं इसका भी लंबाई लैम्डा बाई 2, इसका भी लंबाई लैम्डा बाई 2, तो एक्चुअली 2 लैम्डा बाई 2 है, और ये पूरा का पूरा लेंथ है। आप कहोगे 2 से 2 काट नहीं देंगे सर, हम ना काटेंगे भाई, तुमको चुल मच रहा है क्या काटने का, नहीं काटो, एक लूप की लंबाई लैम्डा बाई 2, दो लूप की लंबाई 2 लैम्डा बाई 2, 3 लूप की लंबाई 3 लैम्डा बाई 2, 4 लूप की लंबाई 4 लैम्डा बाई 2, काट के याद करोगे ना तो अचानक से कोई पूछेगा ना, 6th लूप की लंबाई काट के याद किए हो तो नहीं बनेगा, और नहीं याद किए हो तो आराम से बन जाएगा 6 लैम्डा बाई 2, काट छाट के याद मत करो। और इस हिसाब से देखोगे तो सबसे पहला लैम्डा का इक्वेशन क्या बन गया, 12 बाई 2, वेलोसिटी हम लोग जानते हैं रूट अंडर टी बाई। क्या तुम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, वो भी सेकंड का वी बाई लैम्डा, लैम्डा कितना हो गया 12 बाई 2 रूट अंडर टी बाई। तुम देखोगे तो क्या 2 इंटू फंडामेंटल है क्या, देख रहे हो 1 बाई TL है ना, 1 बाई 2L T/μ है फंडामेंटल, 1 बाई 2L T/μ फंडामेंटल, तो इसको कहते हैं सेकंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक, या इसको कह सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। सीखने पे जोड़ दो, सीखने पे जोड़ दो, मैं आपको थर्ड सिखाता हूं, थर्ड हार्मोनिक, कोई बताएगा थर्ड हार्मोनिक में कैसा डायग्राम बनेगा, याद रखना हम 3 का करेंगे, तुमको कहां तक करना है, तुम 10 तक करो, अगर तुम सीखने में इंटरेस्टेड हो, चाहते हो तुमसे सवाल बने, तो हम उम्मीद करेंगे कि तुम, हम 3 तक छोड़ेंगे, तुम 10 तक ले जाओ। 3 लूप में कितना होगा, 1 2 3, टोटल लंबाई तो लेंथ है एल, और मुझे लगता है 3 लैम्डा बाई 2 है ना, हर एक लूप की लंबाई लैम्डा बाई 2। अब इस समीकरण में हमें बताइए लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, तो लैम्डा का इक्वेशन कितना आ गया, 12 बाई 3, वेलोसिटी हम लोग जानते हैं रूट अंडर टी बाई म्यू, और फ्रीक्वेंसी अगर लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा वी बाई लैम्डा, लैम्डा कितना है 12 बाई 3 रूट अंडर टी बाई म्यू, समझे, रूट अंडर, इसको कहते हैं थर्ड हार्मोनिक, ICU कहेंगे थर्ड हार्मोनिक, और इसी को कहेंगे सेकंड ओवरटोन। हम तो कहते हैं तू फोर्थ का भी लिख सकता है, हम तो कहते हैं ये
कि सबका जो रेशियो होने वाला है F3, F4, F5, ये सब का रेशियो तो वही होगा ना, 1, 2, 3, 4, 5। अगर तुम फंडामेंटल याद रख लेते हो 1/12 रूट अंडर टी बाई म्यू, क्या तुमसे जो पूछेगा तुम वो बता दोगे? जो पूछे, बस पूछे तो सही, कुछ भी पूछे क्या तुम बता सकते हो? मैं तुमसे सेकंड हार्मोनिक का पूछूंगा, दुगना हो फंडामेंटल नहीं? हाँ है ना। मैं तुमसे क्या पूछूंगा? सेकंड ओवरटोन का, प्लीज सेकंड ओवरटोन, तो एक ज्यादा ना, थर्ड हार्मोनिक का। मैं तुमसे पूछूंगा फोर्थ हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक मतलब थर्ड ओवरटोन, कितना हो जाएगा? 4F1। तुमको बस F1 याद रखना है। चलो बताते चलो, फिफ्थ ओवरटोन का क्या होगा? बताते चलो रे बाबा, बताते चलो, बताते चलो। फिफ्थ ओवरटोन का क्या होगा? तो फिफ्थ ओवरटोन मतलब सिक्स्थ हार्मोनिक, 6 × F1। F1 याद रखना है, F1 याद रखना है कितना? 1/12 रूट अंडर टी बाई म्यू, जितना बार लिखो उतना कम है। इसमें है क्या कि साले हार्मोनिक प्रेजेंट है, ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट। मैं तुमसे पूछूंगा सेवंथ ओवरटोन, क्या बोलोगे? सेवंथ ओवरटोन, जस्ट 8। आगे कर लो वीडियो, किसी का पीछे है तो लिख सकते हो ना। तो बस फंडामेंटल आपको आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है टेंशन के डायरेक्टली है और लेंथ के क्या है? इनवर्सली। हार्मोनिक सेम होता है, ओवरटोन बस अलग। ये हो गया एक, ये हो गया एक, जब दोनों एंड से क्या रहे? जब दोनों एंड से आपका क्या रहे? फिक्स। सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, बस इसमें फंडामेंटल आप लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा क्या? और मैं फिर से बोल दूं, आपका होमवर्क है 10 तक कंप्लीट करना है डायग्राम बना बना के, 10 तक कंप्लीट करना है डायग्राम बना बना के। अगला, अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, फिक्स्ड एट वन एंड, एक ही एंड से फिक्स है। अब बताओ ये क्या हो? एक ही एंड से फिक्स है, तो सबसे पहले डायग्राम तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि जब एक ही एंड से फिक्स है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसके एक लूप की लंबाई होगी λ/4, यही लेंथ है। हाँ ना, एक लूप की लंबाई होगी कितनी? λ/4। ये हमारा सीख रहा है फर्स्ट हार्मोनिक। एक लूप की लंबाई λ/4, तो लैम्डा का मान कितना आ गया? 4L। वेलोसिटी हम लोग निकालना जानते हैं रूट अंडर टी बाई म्यू। फंडामेंटल याद कर लो, काम हो जाएगा। फंडामेंटल कैसे? वी बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है? 4L रूट अंडर टी बाई म्यू। मैं फिर से बता दूं, मैंने ही लास्ट ईयर कुछ अलग पढ़ाया था ये टॉपिक, तो हम आपको दूसरे तरीके से पढ़ा रहे थे निकालने का तरीका। इस बार हमारा दूसरा तरीका है, हर बार हम खुद को अपडेट करते हैं। इस बार का तरीका सबसे आसान है, उंगली पे तुम निकाल सकते हो। लेकिन दोनों एंड से जब फिक्स रहता था तो लैम्डा इक्वल टू L/2, याद है? लैम्डा इक्वल टू 2L होता था। तो फंडामेंटल आ गया, इसी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल। चलो बताओ सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक मतलब एक लूप की लंबाई λ/4, एक लूप की लंबाई λ/4, तो सेकंड लूप की लंबाई कितनी होगी? λ/2। ऐसे हो क्या? ये फ्री है, फ्री एंड पे ऐसे नहीं होता, नॉट पॉसिबल। फ्री एंड पे ऐसे नहीं होता, फिक्स रहना चाहिए। सेकंड हार्मोनिक नॉट पॉसिबल, नहीं लिख सकते, होता ही नहीं है नवनीत, होता ही नहीं है सेकंड हार्मोनिक। क्यों? यहां पे फ्री कैसे हो गया? यहां पे एंटी नोड बनता, तो क्या थर्ड हार्मोनिक होगा? क्या λ/4 का तीन टुकड़ा हो सकता है? λ/4 का तीन टुकड़ा देखते हैं जरा, तो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा। हाँ ये तो है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा फ्री एंड पे एंटी नोड ही बनाना है, फिक्स नहीं ना है कि ये नोड बना दोगे। तो कितना लंबाई हो गया? कितना लंबाई? λ/4, 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 3λ/4। क्या
यही एल है। तो यहां से लैम्डा का मान कितना आ गया, 4L/3। वेलोसिटी वही है, रूट अंडर T/μ। क्या तुम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, वी बाई लैम्डा। वी का मान कितना हो गया, 4L/3 रूट अंडर T/μ। ले थर्ड हार्मोनिक निकला, सेकंड नहीं निकला। थर्ड हार्मोनिक निकला, सेकंड नहीं निकला। सेम सिचुएशंस में फोर्थ नहीं निकलेगा, फिफ्थ निकलेगा, सिक्स्थ नहीं निकलेगा, सेवेंथ निकलेगा। और ये जो थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, यही हमारा कहलाता है सेकंड ओवरटोन। फोर्थ करोगे तो नहीं निकलेगा, फिफ्थ करोगे तो निकल जाएगा, सिक्स्थ करोगे तो नहीं निकलेगा, सेवंथ करोगे तो निकल जाएगा। इस तरह से तुमको पूरा एक पेज में करना। मैं बता दूं, एक बच्चा है ना, जितने बच्चों को पढ़ाए हैं, एक बच्चा एक पेज में पूरे के पूरे 18 हार्मोनिक तक करके आया है, दोनों एंड से फिक्स था, एक पेज में सिर्फ। आइस का तो पहुंच गया था 22 21, समझे? तुम कर सकते हो तो कर लो। आज उसको एक एक फॉर्मूले याद है, किसी का भी तो मुरझावानी बट पूछ पूछ सकता है उससे, ये तुम्हारा भी हो सकता है। हम भी किए हैं, हम भी किए हैं, हम भी किए हैं। तो इसमें तो एक चीज रिजल्ट निकल गया कि ओनली ऑड हार्मोनिक, इसमें एक चीज निकल गया कि ओनली ऑड हार्मोनिक। बस फंडामेंटल याद रखना है, कितना वही 1/4L रूट अंडर T/μ। और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना होगा, F1 F2 नहीं होता, F3 होता है, F4 नहीं होता, F5 होता है, F6 नहीं होता, F7 होता है। कितना होगा, 1 3 5 7 9 11। क्या मैं डायरेक्ट तुमसे पूछ सकता हूं सेकंड हार्मोनिक का क्या होगा इक्वेशन? तो सेकंड हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करता, पर सेकंड ओवरटोन का पूछूंगा तो क्या बताओगे, जल्दी बोलो। सेकेंड ओवरटोन का तुमसे पूछूंगा तो क्या बचाओगे? तो पहला वाला तो भैया वो है फंडामेंटल, उसको छेड़ना भी मत। ये हुआ फर्स्ट ओवरटोन, ये हुआ सेकेंड ओवरटोन, 5 क्या? और F1 याद होना चाहिए, कितना, 1/4L T/μ। इसका ट्रिक भी है, सेकेंड ओवरटोन ना दुगना करके एक जोड़ दो, 3F1 नहीं है सेनोरिटा, 3F1 नहीं है, समझे? ओवरटोन निकालने का। अब जैसे देखो, मैं तुमसे पूछूंगा फिफ्थ हार्मोनिक, तो हार्मोनिक एग्जिस्ट करता है, फिफ्थ हार्मोनिक डायरेक्ट लिख दोगे 5F1, 15 हार्मोनिक डायरेक्ट लिख दोगे 15F1, है ना? तो कितना हो जाएगा, 15 × 1/4L रूट अंडर T/μ। पर अगर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछूं कि 15 ओवरटोन का क्या लिखोगे, देखो कोई बच्चा इसको निकालते निकालते पगला जाएगा, और तुम मुरझावानी बता सकते हो, दुगना करके एक जोड़ दो। ट्रिक नहीं अच्छा लगा, पीकेटी अच्छा नहीं लगा? दुगना करके एक जोड़ दो, दो गुना करके एक जोड़ दो, कितना हो गया, 31 × F1। फंडामेंटल याद होना चाहिए, 31/4L रूट अंडर T/μ। तू किसी का भी लिख सकता है, मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूं। सेकंड ओवरटोन का सेवंथ का बताओ, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, तुमको कोई फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो सात का क्या लिखने वाले हैं, दुगना करके एक जोड़ दो, 15 क्या, 15 F1, तो आ जाएगा 15/4L रूट अंडर T/μ। डिपेंड ये करता है कि तुम कितना बड़ा होमवर्क बनाते हो। मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ सकता हूं ना कि सिक्स्थ हार्मोनिक नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, सिक्स्थ हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करता। नाइन्थ, क्या तुम नाइन्थ हार्मोनिक बता सकते हो, नाइन्थ हार्मोनिक? तो नाइन्थ हार्मोनिक का क्या होगा, तो नाइन्थ हार्मोनिक का सीधे 9 × F1, इसमें तो कोई दिखते नहीं है, 9/4L रूट अंडर T/μ। सीख गए? इसमें आपको सीखना है कि सारे हार्मोनिक नहीं प्रेजेंट होते हैं, ऑड हार्मोनिक, और वो तो सबसे आसान था, है ना? ये तो सबसे आसान था जब सारे हार्मोनिक के प्रेजेंट। याद हो गया बाबा, फटाफट बोलो, क्योंकि सेम सिचुएशंस में ऑर्गेन पाइप आता है। याद हो गया तो कोई बात नहीं, उसी के जैसा मिलता जुलता एक और है, उसका उसी का भाई, ऑर्गेन पाइप। तुम देखे हो ऑर्गेन पाइप, ये पुराने समय में अभी भी है, बहुत अच्छे आवाज जो है ना, सुरीले, जिनको आवाज से प्यार होगा, यही होती है ऑर्गेन पाइप। हम लोग कह सकते हैं देसी में जो होता है ना, फ्लूट, बांसुरी नहीं, जो वो क्या बोलते हैं, जय बजाता था, जय अभी रुक क्या था,
शोले फिल्म में कौन था, जय था कि बीरू था जो बजाता था, वही हम लोग तो उसी को बोलेंगे ऑर्गेन पाइप, लेकिन एक्चुअली में ये भी होता है ऑर्गेन पाइप, एक्चुअली ऑर्गेन पाइप यही है। ठीक है, इसमें जो लगा हुआ है ना, दिस इज योर ऑर्गेन पाइप। तुमको मूवी देखे होगे हॉलीवुड, उसमें देखे होगे दिस इज योर ऑर्गेन पाइप। और हम लोग देसी लोग वही जय वाला, जय वीरू वाला में जो बजाता था ना डू 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 करके, वही है। ठीक है, वो हो गया माउथ ऑर्गेन जो बजाते थे हम लोग, पाइप वाला ऑर्गेन पाइप। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें भी वही कहानी, एक तो दोनों एंड से फ्री होता है या एक एंड से फिक्स एक एंड से फ्री, प्लीज समझ लीजिएगा। इसमें ये वाला है पहला हार्मोनिक और इसमें ये वाला है पहला हार्मोनिक, दोनों एंड से जो फ्री। इसकी लंबाई लैम्डा बाई फोर और इसकी लंबाई लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर, मुझे लगता है लैम्डा बाई टू। मेरे बच्चे आप गड़बड़ मत करना, जो ऑर्गेन पाइप दोनों एंड से फ्री है ना, दोनों एंड से ओपन है ना, सेम रिजल्ट होता है किसके, दोनों एंड से जो फिक्स होता है अस्टरिंग। अस्टरिंग जो एक एंड से फिक्स एक एंड से फ्री होता है, उसका रिजल्ट सेम होता है ऑर्गेन पाइप जब एक एंड से क्या हो, क्लोज, एक एंड से ओपन। समझे, यही तो है, यही तो असली चीज है। डेरिवेशन करते हैं क्या, ऑर्गेन पाइप, ऑर्गेन पाइप में इंटरेस्टिंग है कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एन। और धागे वाले में कैसे निकालते थे, वो ये वही है जो लाप्लास ने करेक्शन करके दिया था, ये वही है बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी वाला, जिसे न्यूटन चाचा ने गलती कर दिया था एडेविट आइसोथर्मल मार्क। चलो मैं कर देता हूं, मान लेते हैं बोथ एंड आर ओपन, ऑर्गेन पाइप में क्या है, बोथ एंड आर ओपन। मैं देखो मैं सिखा रहा हूं दो तीन ही, तुमको अगर सीखने में इंटरेस्ट है ना, तुम भैया एक पेज कंप्लीट, एक पेज, कोई ऐसा बच्चा भी होगा कि एक पेज में दो करेगा फोर्थ हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक, और कोई ऐसा बच्चा भी होगा कि एक पेज में टोटल 20 तक पहुंचा देगा। है, होते हैं ऐसे, होते हैं, दोनों एंड से ओपन है और हम करना चाहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक का, क्या तुम बता सकते हो क्या होगा, क्या यही वेव बनेगा। इसकी जो लंबाई है क्या वो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लैम्डा कितना, 2L, वेलोसिटी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखा गया कितना, वी बाई 2L, वी का मान वही गामा आर टी अपॉन, ये फंडामेंटल है, इसी को कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल। क्या तुम सेकंड हार्मोनिक लिख सकते हो खुद से, सेकंड हार्मोनिक खुद से लिख सकते हो, सेकंड हार्मोनिक का डायग्राम कैसा होगा ये बताओ, सेकंड हार्मोनिक का डायग्राम कैसे होगा पहले ये बताओ। तो लैम्डा बाई फोर का चार टुकड़ा, ये ऐसे गया और ऊपर जाके ऐसे चला गया, ये ऐसे गया ऊपर चल के ऐसे चला गया, लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई फोर, चार लैम्डा बाई फोर। तो ये जो लंबाई है एक्चुअली में कितना, चार लैम्डा बाई फोर मतलब 2 लैम्डा है, क्या कर दिया सर, सही तो किया। तो लैम्डा का मान कितना आ गया, 2L/4, क्या गलती कर दिया क्या सेकंड हार्मोनिक, अरे यार तुम क्या बना दिया, बनाना था सेकंड हार्मोनिक, हम बना दिए हैं कुछ और, हाय। ठीक है, हम बना दिए कुछ और, हम बना दिए कुछ और, हम मिटा रहे हैं। सेकंड हार्मोनिक कैसे बनेगा ये बताओ, मीटेगा भी नहीं ना, इसको भाव खाना है, भाव खाना है इसको, बैटरी नहीं खाना है, करंट नहीं खाना है, इसको भाव खाना। जो टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई है वो कितना होगा, तो लैम्डा बाई टू के दो कंपोनेंट होंगे है ना, जैसे एक है ये फर्स्ट हार्मोनिक जिसमें एक कोना बना, सेकंड हार्मोनिक में दो कोने बने है ना, तो बस वो समझिएगा, एक एक ज्वाइंट दूसरा ज्वाइंट। ठीक है, ये कितना बन गया,
यहां से ये जो लंबाई है टोटल हमारा एक क्या हो गया यार, गलती कर दिया क्या? लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, फोर लैम्डा बाई फोर, और ये कितना था? लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, टू लैम्डा बाई फोर। आ गया आ गया आ गया, सही तो कर रहे थे, फोर लैम्डा बाई फोर। तो लैम्डा कितना? एल। इसको हम लिखते हैं 2L/2। सही है, एकदम सही था, गलती कर दिया था। तो लैम्डा का मान यही लिखेंगे 2L/2। वेलोसिटी जानते हैं, तो दूसरा फ्रीक्वेंसी कितना? वी बाई लैम्डा। लैम्डा हो गया 2L/2 × 2। इसको कहेंगे सेकंड हार्मोनिक। देख रहे हो, एकदम सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है। सेकंड हार्मोनिक, या इसको कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। क्या हम इसका रिजल्ट वैसे ही लिख सकते हैं, सारे हार्मोनिक आर प्रेजेंट? फिर से हम लिख रहे हैं एक बार, ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट। फंडामेंटल बस आपको याद रखना है कितना, V/2L। और कोई भी फ्रीक्वेंसी पूछेगा, F1, F2, F3, F4, तो मुझे लगता है बस करता क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तुमसे फिफ्थ ओवरटोन पूछेगा तो 6 × F1। तुमसे फिफ्थ हार्मोनिक पूछेगा तो 5 × F1। क्या वो सेम रिजल्ट है? सेम है, सेम है, जल्दी बोलो, क्या सेम है? सेम एज स्ट्रिंग बोथ इन फिक्स। है ना, अब वो कर लो, एक एंड से ओपन, एक एंड से क्लोज, एक एंड से ओपन, एक एंड क्लोज, है ना? तो क्या करेंगे, ऑर्गेन पाइप, मतलब क्लोज ऑर्गेन पाइप, इसको क्या कहते हैं? क्लोज ऑर्गेन पाइप। डायरेक्ट लिख दे, क्लोज ऑर्गेन पाइप, जिसमें एक एक लूप की लंबाई कितनी होती है? लैम्डा बाई फोर। एक वो कर देते हैं ना, एल जो होगा कितना? लैम्डा बाई फोर। एक्चुअली लैम्डा कितना आ गया? 4L। फंडामेंटल कितना आ गया? V/4L। इसमें तुम सीधे कहोगे ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट, हम दूसरा नहीं कर रहे हैं, सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट, सारे हार्मोनिक नहीं होते, ओनली ऑड। तो पहला लिख सकते हैं, दूसरा नहीं, तीसरा लिख सकते हैं, चौथा नहीं, पांचवा लिख सकते हैं, सातवां लिख सकते हैं। और कितना रेशियो होगा? 1, 3, 5, 7, 9। फंडामेंटल बस याद होना चाहिए। क्या मैं तुमसे फोर्थ ओवरटोन पूछ सकता हूं? फटाफट बताओ तो, फोर्थ ओवरटोन बताओ, बताता हूं। फोर्थ ओवरटोन तो क्या करना है, 4 × 2 + 1, 8 × 1, 9th फंडामेंटल। क्या अब फंडामेंटल कैसे लिखते हैं? V/4L। फोर्थ हार्मोनिक पूछूंगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, फोर्थ हार्मोनिक पूछूंगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। यही था जो आपको पढ़ाना था, जो इनफैक्ट याद करवाना था। और मैं फिर से बोल दूं, याद उन्हीं बच्चे को होगा जो टोटल 4 होमवर्क 4 पेज में करेंगे। पता है कौन सा होमवर्क है? होमवर्क ये है कि स्ट्रिंग बोथ एंड आर फिक्स, 1 पेज उसके लिए, स्ट्रिंग वन एंड आर फिक्स, वन एंड आर ओपन, 1 पेज के लिए, ऑर्गेन पाइप बोथ एंड आर फिक्स, 1 पेज के लिए, ऑर्गेन पाइप क्लोज ऑर्गेन पाइप, एक एंड फिक्स, एक एंड ओपन, 1 पेज के लिए। अब तुम एक पेज में 20 हार्मोनिक घुसाओ, 10 हार्मोनिक घुसाओ, या फिर एक ही हार्मोनिक घुसाओ, वो होमवर्क तुम्हारे ऊपर है। लेकिन रिजल्ट भैया याद हो गया, याद हुआ? या फिर से हम कोई रैंडम पूछे, रैंडम पूछे तुमसे, रैंडम पूछ के देखें, अगर तुम रैंडम बता दिए मतलब हो जाएगा ना याद। रैंडम अगर तुम बता दिए तो याद तो हो गया ना। चलो फटाफट बता दो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की फॉर्मली कितनी होती है? देखो यही चीज होता है, ऑफलाइन में हम याद करवाते हैं क्लास में बैठे बैठे, मतलब खड़े खड़े, कभी थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं कुर्सी पे, और ऐसे ही बैठे बैठे बोल रहे हैं याद हो गया, हो गया, और क्या चाहिए? क्लास में याद करवा दी और क्या चाहिए, जो घर पे रटते हो तुम उससे तो बच जाओगे ना। तो यहाँ भी मेरे साथ बोलते चलो, मेरे साथ बोलते चलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ फोर्थ हार्मोनिक। पहले बता दो फंडामेंटल हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होता है, इन केस ऑफ ऑर्गेन पाइप, वन एंड आर फिक्स, वन एंड आर ओपन। क्लोज ऑर्गेन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लोज ऑर्गेन पाइप, इसमें डिले होता है ना, इसलिए अजीब लगता है।
बोलो, अभी तक जवाब नहीं है। अब आया जवाब, इतना बड़ा डिले है कैसे पूछे बताओ, 1 घंटा लगेगा 3 सवाल में। फंडामेंटल 1/4L, मतलब V/4L, कितना V/4L, इन केस ऑफ क्लोज ऑर्गेन पाइप, सॉरी क्लोज ऑर्गेन पाइप V/4L ओनली ऑड हार्मोनिक, जहां जहां 4L आएगा सारे हार्मोनिक नहीं प्रेजेंट है, ऑड हार्मोनिक, जहां जहां 2L आएगा सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है। मैं तुमसे पूछूंगा ओपन ऑर्गेन पाइप में फिफ्थ हार्मोनिक, ओपन ऑर्गेन पाइप, तो ओपन ऑर्गेन पाइप 1/2L सारे हार्मोनिक ना, तो फिफ्थ तो हार्मोनिक का मतलब 5F1, फिफ्थ ओवरटोन का मतलब 6F1। मैं तुमसे पूछूंगा क्लोज ऑर्गेन पाइप, क्लोज 1/4L वाला ऑड हार्मोनिक, बस यही दिमाग में आना चाहिए, क्लोज ऑर्गेन पाइप है हाँ तो ऑड होगा। इसमें मैंने तुमसे पूछा कि सिक्स ओवरटोन का मतलब, तो सिक्स ओवरटोन है तो ऑड है, तो 6 दूना 12 + 1 13, छह दुना 12 + 1 13 ना, बहुत ही अच्छा, फटाफट जवाब देना। मैं तुमसे पूछ रहा हूं वही है, क्लोज ऑर्गेन पाइप फिफ्थ ओवरटोन का मतलब, फिफ्थ ओवरटोन बहुत ही सुंदर, फिफ्थ ओवरटोन। मैं तुमसे पूछूंगा फिफ्थ हार्मोनिक इन केस ऑफ क्लोज ऑर्गेन पाइप, बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर, फिफ्थ ओवरटोन का मतलब हो गया 5 गुना 2 + 1 11, 11F1, F1 कैसे लिखते हैं V/4L से, फिफ्थ हार्मोनिक वो तो भैया सीधे है 5V/4L। फंडामेंटल याद होना चाहिए, दोनों एंड से क्लोज या दोनों एंड से ओपन, क्लोज होता है स्ट्रिंग में, ओपन होता है किसमें ऑर्गेन पाइप में, उसमें होता है V/2L, और एक एंड से क्लोज ओपन होता है V/4L, 4L वाले में अपना वही ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होता है, सीख गए बोलो भाई, सीख गए क्या। सोनोमीटर कौन सा प्रजाति है, सोनोमीटर कौन सा प्रजाति है बताओ, तो सोनोमीटर कोई लंबा चीज नहीं है, सोनोमीटर जैसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसका यूज करते हैं टेंशन वेंशन मेजर करने के लिए, ठीक है, और ये होता कैसे है वो समझो, यहां पे एक वेट लगा दिया, वेट का काम क्या है, ये धागा को टाइट करना, काम क्या है धागा को टाइट करना, तो क्या लगता है ये दोनों एंड से फिक्स है कि ओपन है, पहले बताओ, ये सोनोमीटर जो काम करेगा दोनों एंड से फिक्स की तरह ऐसा कि दोनों एंड से ओपन की तरह, हमको लगता है एक तरफ से हुक लगा हुआ है ये फिक्स है, और एक तरफ ये फिर से पुल्ली है ये भी फिक्स है, ले भैया सोनोमीटर काम करता है दोनों एंड से फिक्स, इधर फ्री थोड़े है, इधर वेट क्यों लटकाए हैं, वेट क्यों लटकाए हैं, जैसे मान लेते हैं वेट का मास एम है, तो वेट लटका है किसके लिए, एमजी के लिए। सर क्या सच में सोनोमीटर दोनों एंड से फिक्स होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, यहां का डायग्राम से बेसिस पता चल रहा है कि दोनों एंड से फिक्स है, हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो डायग्राम आता नहीं है, तो एग्जाम में ये भी नहीं पूछा जाता किसके जैसा काम करता है, फ्रीक्वेंसी देख के बताइएगा, अगर ऑड प्रेजेंट है तो आप कहिएगा कि हाँ यार ऑड है ना, एक एंड से फिक्स एक एंड से फ्री, इवेन वाला रहेगा भी तो कहेगा अरे ना ना सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है ना, तो दोनों एंड से फिक्स है ना, तो बस जैसे ये सवाल में दिख रहा है दोनों एंड से फिक्स है, तो फिक्स है तो कॉमन सी बात है, फंडामेंटल तुमको याद रखना है कितना V/2L और सारे हार्मोनिक आर प्रेजेंट, ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट है ना, और सबसे इंटरेस्टिंग सा चीज पता है क्या है, फंडामेंटल का 1/2L V को लिखते हैं T/μ, ठीक है, जैसे देखो एक सवाल दिख रहा है, सोनोमीटर वायर रेजोनेंस का मतलब समझते हो, रेजोनेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी मैच करना, गिवन ट्यूनिंग फॉर 3 एंटीनोड, गजब, थर्ड वाला थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक है जब मास 16 kg लटका रहे हैं ना, और यही मास को रिप्लेस करते हैं एम से, तो वायर रेजोनेंट करता है सेम ट्यूनिंग फोर्क लेकिन 4 एंटीनोड, गजब, तो 3 एंटीनोड का मास है 16, 4 एंटीनोड का पूछ रहा है मास कितना होगा,
और रेजोनेंस कर रहा है तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या कर देना है, सेम। एक है आपका थर्ड हार्मोनिक, एक है आपका फोर्थ हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक का मास है 16 kg, किसका मास हमको नहीं पता। क्या तुम बैलेंस कर सकते हो, AITS का है वो सवाल है। कितना होगा थर्ड हार्मोनिक, तो थर्ड हार्मोनिक यही ना 3/12, या तो 12 होगा या 4L होगा, रूट अंडर T/μ। तो T का मान 16g/μ, इसको क्या लिख सकते हो 4/12 रूट अंडर mg/μ, है ना। टेंशन का मान mg होता है ना, जो कटेगा काट दो, जो नहीं कटेगा छोड़ दो। 12μ कट गया, जी से जी कट गया, 3 × √16, 4 × √m, ये बचा ना। 4 से ये कट गया, रूट एम का मान 3, मतलब एम का मान 9 kg। समझे, देखो तुमको फड़के नहीं पड़ा कि दोनों एंड से फिक्स है कि ओपन, फड़क पड़ा क्योंकि ये कट जाता है। एक बार फिर से समझो, थर्ड हार्मोनिक 16 kg बना, फोर्थ वो हार्मोनिक m kg बना, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कितना था 1/12 रूट अंडर T/μ, है ना, बस बन जाएगा। यहाँ थर्ड है तो 3 × 1/12 रूट अंडर T/μ, मतलब 16g/μ। और इधर पता नहीं फोर्थ था ना, फोर्थ इंटू 1/12, 12 करो या 4L करो क्या फर्क पड़ता है, और m × g/μ, इसको सॉल्व कर दो, m का मान कितना आ गया था 9। समझे, तो कोई नया चीज नहीं है सोनोमीटर। सोनोमीटर बस वही काम करता है कि दोनों एंड से फिक्स है या दोनों एंड से फ्री है। आओ कुछ तुमको एग्जाम का सवाल ले चलो, है ना, तुमको कुछ एग्जाम का सवाल ले चलो, ये बाद में। कहाँ गया सवाल, खत्म हो गया। ये बता दो, ये बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गेन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन वाले का, तो फंडामेंटल है ओपन वाले का, इक्वल है किससे, थर्ड हार्मोनिक क्लोज वाले से, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक किससे, क्लोज वाले से। बस तुम फ्रीक्वेंसी लिखो और कुछ नहीं, क्लोज वाले का लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो ओपन वाले का लेंथ पूछ रहा है। क्लोज वाले का लेंथ पता है 20 सेंटीमीटर, तो ओपन वाले का लेंथ पूछा जा रहा है। देखो कितना आसानी से बन सकता है, तुमको बस फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो ओपन वाले में याद है 1/4L ऑड हार्मोनिक हो जाएगा ना, तो V/4L ओपन। क्लोज वाले में सर एक सेकंड, ओपन ऑर्गेन पाइप तो भैया सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है ना, V/4L उल्टा, हम ही गलती करते, हम ही क्या करते हैं, गलती करते। ओपन ऑर्गेन पाइप ओपन, खुला दोनों एंड से फ्री है ना, दोनों एंड से फ्री, सेम होता है स्ट्रिंग, दोनों एंड से फिक्स। कितना लिख सकते हो, वो लिखोगे V/2L, लिख दो। कितना लैग किया हुआ है ना कि लिखाओ नहीं रहा है, V/2L। सेम है थर्ड हार्मोनिक, फंडामेंटल इसका कितना था, V/4L था, क्लोज वाले का, भी से भी कट गया, दो से दो कट गया, कितना आ गया लेंथ ओपन का, लेंथ ओपन का आ गया दुगना ऑफ क्लोज बटा 3। क्लोज वाले का लेंथ है 20/3, आ गया 40/3, यही है क्या। हम भी सुधार लिए, समझे। अब इस टाइप का सवाल बहुत ही झकास है, दो सबसे नजदीकी एक एंड से क्लोज है, दूसरे एंड से ओपन है। ए भैया ये तो क्लोज और ओपन वाला ना, ये तो क्लोज ओपन, हाँ, क्या सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, नहीं, ओनली ऑड हार्मोनिक, है ना, F1 F3 F4, कितना, 1 3 5 7। मुझे ये बताओ किसी भी दो का डिफरेंस क्या दुगना फंडामेंटल आएगा, किसी भी दो का डिफरेंस, किसी भी दो का डिफरेंस दुगना आएगा ना, जब कब, जब सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट,
तो यही पूछ रहा है कि दो नियरेस्ट वाले का, एक का है 220, एक का है 260, तो 260 में से 220 को घटाएंगे तो दुगना आएगा ना फंडामेंटल का, ये हो गया कितना 40, तो F1 का मान कितना आ गया 20, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका। अगर यही सवाल रहता दोनों एंड से ओपन, अगर लेट अस सपोज यही सवाल रहता दोनों एंड से ओपन, तो हम क्या कहते हैं, अगर दोनों एंड से ओपन है तो कॉमन सी बात है सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, और किसी भी दो का डिफरेंस फंडामेंटल कहलाता, किसी भी दो का डिफरेंस फंडामेंटल कहलाता, कब, जब सारे हार्मोनिक प्रेजेंट, तब आंसर 40 आ जाता। जब एक एंड से ओपन है एक एंड से क्लोज है तो दो का डिफरेंस दुगना फंडामेंटल होता है, क्या होता है, दुगना होता है किसके, फंडामेंटल के। ये फिर से लेंथ वाला सवाल है, बनाओ तो ये दो। सेकंड ओवरटोन ओपन ऑर्गेन पाइप, ए भैया ओपन में क्या होता है, ओपन में क्या होता है सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है, तो वी बाई 12 है फंडामेंटल, और सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, सही लिखे हैं क्या, हैज सेम फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन क्लोज वाले का, तो क्लोज वाले का फंडामेंटल तो लिख लो, और उसका फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, तीन ना, ये ओपन है ये क्लोज, बस इसको काट छांट दो, कुछ कटेगा, हाँ लगता तो है कट, ये तो सब कट गया, वी बाई टू से वी बाई टू कट गया, तीन से तीन कट गया, तो ओपन का जो लेंथ है दुगना है क्लोज का, क्लोज वाले का लेंथ है एल, बहुत अच्छा, तो ओपन का लेंथ कितना आ गया 2 × 12, समझे, फ्रीक्वेंसी लिखना इंपॉर्टेंट है, याद कैसे करते हो फर्क नहीं पड़ता, लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखना तुमको लिखने आना चाहिए। देखो ए और कॉलम क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, क्या ये ऑड वाला है, हाँ क्या ये ऑड वाला है, रेजोनेंट विथ ट्यूनिंग फॉर विथ स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ, कितना है इतना, सबसे छोटा लेंथ मतलब फंडामेंटल है, सबसे छोटा लेंथ मतलब फंडामेंटल, सबसे छोटा लेंथ मतलब फंडामेंटल, उसका जस्ट अगला क्या होगा, तो सबको लगता है पहला और तीसरा इसका रेशियो कितना होता है, 1:3, तो पहला और तीसरा 1/3, आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होता है लेंथ के इनवर्सली, तो पहले का लेंथ नीचे तीसरे का लेंथ ऊपर, पहले का लेंथ 50 दिया है तीसरे का लेंथ लिखना है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना आ गया 150, तुमको फ्रीक्वेंसी बस लिखने आना चाहिए, अगर तुमने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया ना भाई साहब, तुमको कोई रोकेगा नहीं सवाल बनाने से, कोई नहीं रोकेगा। अब ये बताओ एक स्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हैं दो फिक्स पॉइंट, ले भैया दोनों एंड से फिक्स है, दोनों एंड से क्या है फिक्स है, सेपरेटेड 75 सेंटीमीटर, ये ऑब्जर्व किया गया है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फलाना फलाना है, अरे दोनों एंड से फिक्स है ओनली ऑड हार्मोनिक, नहीं सर फिक्स है दोनों फिर से, तो इसमें सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते, सारे हार्मोनिक, तो ये लगातार है ना, दो हम इसमें बोले थे कि सारे हार्मोनिक प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6 जो भी है सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है, किसी भी दो का डिफरेंस फंडामेंटल आएगा, तो यही किसी दो का डिफरेंस कर दो, 420 में से 315 को हटा दो आपका आ जाएगा 105, क्या ये सबसे छोटा वाला है, और वही पूछ रहा है सबसे लोएस्ट वाला, समझे, अगर यही सवाल होता कि एक एंड से फिक्स एक एंड से ओपन, तो ओनली ऑड हार्मोनिक और दो का डिफरेंस दुगना फंडामेंटल देता, अभी करवाए भी ऐसा सवाल है ना, अब तुम बनाओगे, तुम बनाओगे अब, ये क्या है, बी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड से ओपन है ऐसा ही ना, दोनों एंड से ओपन है, हाँ तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट ट्रू, ऑल हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिल, हाँ सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो सारे हैं,
ओपन एंड विल बी एंटी नोड, हाँ एकदम सही है। ऑड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिल, नहीं ऑड नहीं होता, सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। एक सेकंड, ऑड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल, हाँ फंडामेंटल तो ऑड ही होता है ना, फंडामेंटल तो ऑड ही होता है। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोट एंड, नहीं प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड, प्रेशर मैक्सिमम होता है क्या यहाँ पे, प्रेशर से ज्यादा है क्या, एंटी नोड बन रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम प्रेशर मैक्सिमम, हाँ यार ये भी सही है, सब सही है, डी गलत है, डी गलत है, डी गलत है, काहे काहे तुम, मेरे हिसाब से हाँ मेरे हिसाब से तुम लोग आंसर चेंज करता है घोड़ा। अब देखो ये एक अच्छा सवाल में आता है, बहुत अच्छा कैटेगरी का सवाल, बहुत अच्छा सवाल के कैटेगरी में, ठीक है। उससे पहले कुछ बढ़िया सवाल, जैसे ये बताओ, एक स्ट्रिंग को डिवाइड करती है तीन सेगमेंट, तीन सेगमेंट L1 L2 और L3, तो मुझे लगता है ये टोटल लेंथ जो होगा वही L1 प्लस L2 प्लस L3। सबका फ्रीक्वेंसी है न्यूबन, न्यूबन किसी भी याद है, फ्रीक्वेंसी का कोई भी फॉर्मूला लो 1/12 वाला ही ले लो, क्या दिक्कत है, लेंथ के इन्वर्सली होता है क्या, तो लेंथ भी तो फ्रीक्वेंसी के क्या हो गया इन्वर्सली, तो एल वाला का फ्रीक्वेंसी भी नीचे आ जाएगा, L1 वाले का भी फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगा, L2 वाले का भी फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगा और L3 वाले का भी नीचे आ जाएगा, और ऐसा कोई ऑप्शन है, सी है ना, ये सवाल ऐसा है कि हर बार बच्चा पूछ, लेकिन करिएगा तब ना, होना गया
अब आवाज आई, साउंड ऑन कीजिए। हम बंद कर दिए थे क्या? चलो साउंड ऑन कीजिए। चलो आप आ रही है क्या? तो है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो भाई, लेंथ है 100 सेंटीमीटर का और 3 को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, L1 L2 L3, और आपसे पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे है ना। मैं तो इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताता हूँ, कहाँ आता है सवाल इस तरह। आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ वायर ये है टोटल 100 सेंटीमीटर, 3 सेगमेंट में बांटा है, मतलब दो जगह फिक्स किया होगा, दो जगह क्या किया है, फिक्स किया। अब सवाल ये है कि फ्रीक्वेंसी का रेशियो इतना है तो ये लेंथ का रेशियो कितना होगा। तो मान लेते हैं L1 है, L2 है, L3 है। अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:3:5 है ना, देखो देखना कैसे बनता है। जैसे फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:2:3 कितना, 1:3:5, तो लेंथ का रेशियो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1:1:3 और 1:5। क्यों सर, फ्रीक्वेंसी लेंथ के इन्वर्सली था। अरे भूल गया क्या रे बाबा, देखो जोश आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करना है तुमको, सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। अब देखो L1 L2 L3 15 से गुना कर दो, तो 15 5 3 है ना। टोटल लेंथ कितना था, 100 सेंटीमीटर था। हाँ सर, याद करो क्या बोलते हैं, तुम ओम्स लॉ भी सॉल्व किए। L1 कितना हो गया, तो L1 के सामने 15 है और नीचे में कितना हो गया, 15 प्लस 5 प्लस 3 इंटू टोटल कितना, 100 आ गया। कितना आ गया, यह आ गया 1500/23, 23 ना। हाँ, L2 कितना आएगा, तो L2 के सामने 5 है, 5 और नीचे में टोटल 15 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 100 कितना हो गया, 500/23। बस L1 L2 ही चाहिए था। L1 आ गया है 1500/23, L2 आ गया है 500। देखो ध्यान से, यहां से L1 आ गया है 1500/23 और L2 ये आ गया है 500/23। तो पहला प्लैंक करेंगे 500/23 पे और दूसरा यहां से जब जोड़िएगा, तो यहां से जोड़िएगा तो कितना आएगा, 500, 1500 + 23 और +500/23 ना, है ना। ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो ये हो जाएगा 2000/23। कोई है ऐसा ऑप्शन हो, ये ना। नॉट ए, ए इज नॉट आंसर, ये नहीं रे बाबा, यही तो गलती होता है। पहला लेंथ है कहां पे, 1500/23 पे। दूसरा लेंथ कहां, L1 + L2 ना। पहला प्लैंक L1 पे, दूसरा लेंथ L1 + L2 पे। तो L1 है आपका कितना, 1500/23 और L1 + L2 कितना है, 2000/23। ठीक है, ये है कहानी। क्या ये सवाल फिर से वही वाला है, भाई फ्रीक्वेंसी लेंथ के इन्वर्सली, टोटल लेंथ को बांट दो L1 L2 L3, तो कितना होगा, न्यू 1/न्यू चलेगा ना, 1/न्यू 1, 1/न्यू 2, 1/न्यू 3। ये के बार आया, 2 3 बार तो आ गया है। और लेंथ वाला सवाल है, तुम बना लेना ठीक है। देखो एक और मिल रहा है, एक और मिल रहा है, एक और मिल रहा है। एक स्ट्रिंग को कट किए 3 टुकड़ा में, यही होगा ना रिलेशन, क्योंकि एल ही होता है L1 + L2 + L3। ठीक है, अब तुम बनाओगे 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 बना। देखो ये फिर से वही है, लेंथ का है लंबाई 110 सेंटीमीटर, 3 टुकड़ों में काटे हैं, है ना। अभी अभी जस्ट जो बनाया ना उसी के जैसा है आपको बना। अब मैं क्या बनाऊं, अब तुम बनाना सब, आप सब तुम बनाना, जो नहीं बने हमको बताना, हम सवाल करेंगे। यही आपका ऑर्गेन पाइप और नॉट ऑर्गेन पाइप जो भी है, ठीक है, यही था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1/2 घंटे बाद 8:45 से एक दूसरा क्लास बीट का, ठीक है। जाके लैपटॉप को थोड़ा सा आराम देते हैं, बीट का क्लास करते हैं और उसमें हम इंड करेक्शन पढ़ाएंगे आपको।
इंड करेक्शन काम करेगा उसमें, ठीक है। भुला नहीं जाएगा, 1 घंटे में भुला नहीं जाएगा क्या क्या हुआ है, 1 घंटे में क्या क्या हुआ है भुला नहीं जाएगा, क्योंकि इंड करेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ऑर्गेन पाइप में आता है कौन सा चीज, इंड करेक्शन, ठीक है। इंड करेक्शन, चलिए मिलते हैं, बाय।